हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारी रसोई में। आज हम लेकर के आए हैं आप सबको अरबी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो अरबी को अच्छे से धुल लिया है, साफ कर लिया है, गैस पे हमने रख दिया था पानी एक बर्तन में गर्म होने के लिए। तो पानी गर्म हो गया है तो हम अरबी को डाल देते हैं और छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अरबी अच्छे से हमारी पकी है या नहीं। तो हमारी अरबी अच्छे से पक गई है तो छोड़ देंगे हम इसको ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद हमने इसके जो छिलका है वो उतार लिए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो यहाँ गैस पे हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है तो अच्छे से हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम अरबी को डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए हमें अरबी को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की अरबी की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाइक का बटन दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 2-3 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अरबी है उसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। तो हमारी जो अरबी है वो 2-3 मिनट बाद अच्छे से फ्राई हो गई है। तो हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, बस हमें इतने ही फ्राई करना था। इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा। अरबी की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी पर एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाओगे तो आपके यहाँ उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सभी, इतने टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था अरबी को। ठंडे होने के बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो आप पीसेस छोटे बड़े अपने पसंद से भी काट सकते हो। तो हम ना ही ज़्यादा छोटे कर रहे हैं ना ही ज़्यादा बड़े, तो ऐसे ही सभी अरबी को हम काट लेते हैं। तो काटने के बाद उसी कढ़ाई को हमने फिर से गैस पे रख दिया है और थोड़ा सा तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद 1 चम्मच डालेंगे जीरा और 1 चम्मच डालेंगे राई और 2 कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अरबी में हींग का बढ़िया सा टेस्ट आता है तो वो तो ज़रूर से डालिएगा हींग को। तो यहाँ पर हम अच्छे से मसालों को चटका लेंगे। 2 डाल देंगे इसी में लाल मिर्ची। तो 1-2 मिनट के बाद हम सभी मसालों को अच्छे से चटका लेते हैं, भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है तो आप इस वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरी देखेगा। आपने हजारों बार अरबी की सब्ज़ी बनाकर खाई होगी पर एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाओगे तो आपके सभी परिवार वाले दीवाने हो जाएंगे। इतनी ये टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आपकी सभी तारीफ ही तारीफ करेंगे। तो मसाले भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अरबी को और कलछी से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है अरबी की। आप 2 रोटी इसके साथ ज़्यादा ही खा लोगे, इतनी ये टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा। आप एक बार बनाओगे मेरे तरीके से तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर डाल देते हैं कुछ मसाले। तो 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। गैस को मीडियम रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए गैस को मीडियम ही रखेंगे और चला लेंगे। तो यहाँ पे चलाने के बाद हम 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। तो आपके यहाँ जो भी गरम मसाला है आप वो डाल सकते हो और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से हमने कलछी से चला दिया है तो हमारे जो सभी मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो गैस है वो मीडियम कर रहे हैं। आपको इतना ध्यान रखना है गैस को मीडियम ही रखिएगा क्योंकि हमारे जो सूखे मसाले हैं वो जल्दी से जल जाते हैं तो आपके सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए आप मिक्स करने के बाद गैस को तेज कर सकते हो पर अभी मीडियम ही रखना। तो यहाँ पे 1 गिलास हम पानी डाल देते हैं फ्रेंड्स और कलछी से मिला देते हैं। तो आप ग्रेवी को कम ज़्यादा अपने पसंद से कर सकते हो क्योंकि अभी हमें इसमें छाछ भी मिलाना है। तो अभी हम पानी को हिसाब से ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने करीब 1.5 गिलास पानी को डाल दिया है फ्रेंड्स। तो आपको ग्रेवी जैसी पसंद हो आप वैसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से चला दिया है हमने कलछी से और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए सब्जी को। तो करीब 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हो कि हमारी सब्ज़ी जो है अच्छे से
पक गई है और ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो गई है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अरबी हमारी पहले से ही पकी हुई थी। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम एक गिलास छाछ। तो चलाते हुए कलछी से हम छाछ को डालेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे, क्योंकि जो छाछ है वो अगर ज़्यादा तेज गैस पे चढ़ी हुई सब्जी में डालोगे तो वो फट जाता है छाछ, इसलिए हम मीडियम गैस करके चलाते हुए हमने छाछ को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे डाल देंगे करीब एक चम्मच किचन किंग मसाला और कटी हुई हरी धनिया। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। तो हम एक दो मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे छाछ डालने के बाद। तो अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से याद दिला दूं, आज की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम डेली आप सबको नए नए प्रकार की रेसिपी लाते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके यहाँ हमारी रेसिपी पहले नंबर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक दो मिनट बाद हमारी जो सब्जी है अच्छे से पक के तैयार हो गई है। इसका लुक देखिए और खाने में तो इतनी टेस्टी बनती है, आप चावल के साथ या रोटी के साथ, चपाती या पराठे, कुछ भी पूड़ी के संगे आप खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा मेरे तरीके से। तो हमारी सब्जी तो बनके तैयार है, आपके मुंह में पानी आ रहा है इस सब्जी को देखकर, तो जाइए जल्दी से बनाकर खाइए और खिलाइए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में सभी।